very excited. I think it's a very good occasion for all of us to meet and talk to each other, because we really need to have many conversations, especially in the light of all that's been happening in the last few months. Somebody who knows her mind, who's not afraid to call herself a feminist and not afraid to explore her femininity and be proud of it. हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी करते हैं उसके लिए हमें आई थिंक बॉस लेडी का टाइटल मिलना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में काम करना और सिंपल चीज़ें करना भी औरतों के लिए आसान नहीं छोड़ रखा है आप लोगों ने. इसलिए हम जो भी करते हैं, काम कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उसके लिए आई थिंक हर औरत को बॉस लेडी का टैग मिलना चाहिए. जी सॉरी, हमें तो हर समय अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, लेकिन आप देखिए और आप बताइए, जो बुरी चीज़ें लोग बताते नहीं हैं हमें, तो हम अपने एक वर्ल्ड में चले जाते हैं जहाँ हमको लगता है कि सारा काम जो हम कर रहे हैं वो अच्छा ही होगा. मुझे तो बहुत पसंद है सीरीज़, और मुझे लगता है कि सब एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ऑडियंस देखे और जेन्युइन रिस्पॉन्स थे. अभी तक जो भी रिस्पॉन्स मुझ तक आया है वो तो बहुत ही अच्छा हुआ है और बहुत ही इनकरेजिंग है. सो आई एम वेरी हैप्पी. मेरे ख्याल से सब लोग, हाँ, एक किसी ने कहा कि इस सीरीज़ की कास्ट बाप कास्ट है क्योंकि इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं सीरी में. पंकज त्रिपाठी हैं, अली फजल हैं, विक्रांत मासे हैं, देवेंदु शर्मा हैं, श्रेया, श्वेता, सब ने बहुत अच्छा काम किया और उस कास्ट के साथ काम करने में हमें बहुत मज़ा आया. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर अप्रिशिएटिंग दैट. थैंक यू सो मच. आज आपको अच्छी लगी? चलो थैंक यू. तब मतलब सही, जो मैं सुन रही हूँ सही है. थैंक यू. I think it's amazing. I think the whole idea of a boss lady is really cool. We live in a time when finally I think women are being celebrated, women are happy, just being honest about who they are and supporting each other. So I think, I think being the ultimate boss lady is just being yourself. So it's really nice that Shruti and Gul and Festivelle has done this, and I'm very happy to be a part of it. मुझे तो लगता है मैं रोज़ बॉस लेडी हूँ. आई मीन यू नो, एक लड़की होना इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी एम्पावर्ड थिंग. यू आर एबल टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, दैट्स अ रियली बिग थिंग. सो यू नो दैट्स अ पावर दैट वी वेरी लकी टू हैव. यू रन अ हाउस, आई रन माई ओन बिजनेस, आई एम वेरी क्लोज टू माई फैमिली. ऑल दीज आर थिंग्स दैट आई थिंक आर एम्पावरिंग एंड अमेजिंग. And that make me a boss lady, yeah. What do you think, who is the boss lady of the year? Boss lady of Bollywood has to be Priyanka Chopra, man. I really admire her. I love the way she's made such an amazing name for herself. I love the work and the values that she stands for. I love how she speaks her mind, how she's not afraid of criticism. So yeah, I think she's, you know, definitely my favorite. Thank you.